किरण बेदी प्रचार कर रही हैं। मैम अब तक आप सोशल एक वर्कर थी, आप पॉलिटिक्स में निकली हैं, ये ज्यादा टफ है या वो ज्यादा टफ था मैम? ज्यादा टफ ये मानती है पॉलिटिक्स या सोशल वर्क ज्यादा टफ था मैम? ये तो पूर्ण समर्पण मांगता है, राजनीति तो पूर्ण समर्पण मांगती है, पूर्ण समर्पण। और जब तक मैं इसके लिए मानसिक तरीके से तैयार नहीं थी, मैंने हानि की। आज मैं तैयार हो गई, मैंने हाँ की। नरेंद्र मोदी, ये किरण बेदी हैं, देखिए मिल रही हैं लोगों से, तमाम जो लोग हैं वो मिल रही हैं। मैम नरेंद्र मोदी से बड़ा सपोर्ट मिला है आपको, वाकई में लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मेंटोर का काम भी कर रहे हैं एक तरह से? पूरा हमने, अब जो वो कह रहे हैं, हमने ग्राउंड लेवल पे उसका विकास को आगे ले जाना है। अब विकास कैसे होगा अगर ग्रास रूट में नहीं हो? आप प्रधानमंत्री थोड़ी पदयात्रा करेंगे, हमको करना है काम। इसीलिए मैंने हर स्कूल को कहा है, जो स्कूल आधा दिन के बाद बंद हो जाता है वो पॉलिटेक्निक बन सकता है, दैट मीन्स युवाओं को ट्रेड सीख सकते हैं। तो युवाओं को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मिलने लगे, बैंक से लोन मिलने लगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कंपनीज में काम कर सकते हैं। तो मैंने ये महसूस किया है कि हर सरकारी स्कूल, हर सरकारी बिल्डिंग जो आधा दिन यूज होती है वो दूसरी शिफ्ट में भी यूज होनी चाहिए, जो समाज के लिए जरूरत हो। मैम लगातार प्रचार भी कर रही हैं आप, तो कार्यकर्ताओं को इतना साथ नजर आ रहा है मैम, क्योंकि चार मंडल में मीटिंग भी कर रही हैं। कार्यकर्ता थोड़ी होता है, ये कार्यकर्ता का जुनून भी है, उनकी त्याग भी है, उनकी तपस्या भी है। नंगे पांव जुराबों के साथ कीचड़ में चल रहे हैं, क्यों चलेंगे? ये किरण बेदी हैं, देखिए लगातार जो बात कर रही हैं। मैम एक सवाल और भी है मेरा, शांति भूषण जी ने आपको उसका आपको प्रेस कराया कि किरण बेदी अच्छी मुख्यमंत्री हो सकती हैं, तो मैम क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? मैंने उनको धन्यवाद भेजा है और कहा जो उनको समय कन्वीनियंट हो, अगर वो मैं उनको मिलके भी पर्सनली भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैम कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी में, उन्होंने भी एक ट्वीट करा है कि ये कहा है कि किरण बेदी स्पाई कर रही है इस वक्त, जो उनकी पहले आईएससी में मेंबर वो भी थी, अब वो जासूसी कर रही है बीजेपी के लिए। धन्यवाद। ये किरण बेदी मैम थी जो लगातार प्रचार कर रही हैं और जनता से जुड़ रही हैं, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, नरेंद्र मोदी को मेंटोर भी बताया है और कार्यकर्ता को साथ मिल रहा है, शांति भूषण का धन्यवाद करा है, मिलने की बात भी कही है। कहीं ना कहीं किरण बेदी लगातार जो कृष्णनगर की जनता है उससे मिल रही हैं और देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम उनके साथ चलता है। लेकिन एक बड़ी चीज हमें देखने को मिल रही है, कार्यकर्ता इतना ज्यादा उनका समर्थन नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने लगातार कई इलेक्शन यहाँ पे कवर करे हैं कृष्णनगर में, कार्यकर्ता उस तादाद में मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है किरण बेदी के लिए, क्योंकि चुनाव अगर जीतना है तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर कार्यकर्ता इतनी तादाद में उनको मिलता नजर नहीं आ रहा है। कैमरा विद्यादर बारिक के साथ जितेंद्र खान, टोटल न्यूज दिल्ली।